अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। छोड़ो हमें जाने दो, छोड़ो। बस भी कर अपना चिल्लाना। अजब छोकरी हो तुम। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है का कि कोई चाहता ही नहीं कि तुम उस घर में रहो। तुम्हारा हमेशा के लिए उस घर से रिश्ता खत्म हो। तुम्हारी और साले साहब की कहानी का दी एंड। साले साहब के लिए मर गई उसकी बिंदिया। फेंक दो उसके सुहाग की निशानी। हमारे सुहाग की निशानी को हाथ लगाने वाले का हाथ तोड़ के धर देंगे हम। ये केवल काली मोती की माला ना है, ये हमारे सुहाग का प्रतीक है। और भय जी के लिए उनकी बिंदिया नहीं मर सकती। हम बिंदिया है और हम जिंदा है। ये आप क्या कर रही है? हम बिंदिया है और इस बात को कोई भी नहीं झुठला सकता, कोई भी नहीं। बिंदिया, तो फोन क्यों नहीं उठा रही हो? फोन उठाओ बिंदिया, मुझे तुम्हें घर वापस लाना है। तुमसे दूर कैसे हो सकता हूं?
सनशान है, सुनहरम है रवि, सेव्य माना यदा भूयात, सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, सिद्धि गंधर्व यक्षान है, सुनहरम है रवि, सेव्य माना यदा भूयात, सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। जय 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 तू ही जग माता, तुमसे दूर मैं कैसे हो सकता हूँ बिंदिया? अब बिंदिया, अब है जी की बिंदिया। और हमें उनसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। देख लिया, अब हम इस पर अभय जी का नाम लिखेंगे। और फिर उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाएगा। फिर कोशिश करके देख लेना हमें उनसे अलग करने की। जाके कह दो पूरी दुनिया से, बिंदिया अभय जी की है और उन्हीं की रहेगी। बिंदिया, मैं तुमसे दूर कैसे हो सकता हूं? लल्ला, लल्ला ये क्या कर रहा है तू? लल्ला, बिंदिया का नाम मेरे दिल पर लिखा है मां। अब मैंने अपने खून से उसका नाम दीवार पर भी लिख दिया। मेरी बिंदिया, साले साहब का नाम लिखेगी अपने नाम के साथ? छोड़ो, आगे मत आना। आगे मत आना, पीछे
पीछे हो। हटो, आगे मत आ, हटो। अभय जी के इतने सारे मिस्ड कॉल। हेलो विद्या, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पीछे पीछे भी है, लेकिन तुम खो गई विद्या। प्लीज मुझे बता तुम कहाँ हो विद्या, मुझे तुम्हें घर वापस आना है। हम आपसे दूर कैसे जा सकते हैं अभय जी, हम तो खुद घर आना चाहते हैं। हमें लगा था कि आप हमसे नाराज हैं, पर अब सब ठीक है अभय जी। कछु ठीक नहीं है ससुर जी, विद्या ने साले साहब से बात कर ली है, वो घर वापस आएगी। अरे लेकिन उसने फोन पर बात कैसे कर ली? तुम्हें एक काम सौंपा था, वो भी तुम ठीक से कर नहीं पाए। किसी काम के नहीं हो तुम। हट। मैंने तुमसे गुस्से में वो सब कह दिया था बिंदिया। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर मुझे बताओ तुम कहाँ हो, तुम घर क्यों नहीं आई? हम घर आए थे अभय जी, हमने आपको आवाज भी दी थी, पर पूजा चल रही थी और आप, आपने देखा नहीं। अब तुम प्लीज जल्दी से मुझे बताओ तुम कहाँ हो बिंदिया, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हम गौरी मंदिर के पास है अभय जी, पर आप मत आइए, हम आ जाएंगे। नहीं बिंदिया, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ बिंदिया, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है। माँ, माँ बिंदिया मिल गई, मैं उसे लेने जा रहा हूँ, माँ मैं उसे लेने जा रहा हूँ। लल्ला, अपने घाव पर पट्टी तो बांधते थे। मैं जाने दो ये खून माँ, मैं जाने दो, इस घाव पर मरहम मेरी बिंदिया ही लगेगी। इतना प्यार करता है मेघा से। प्लीज माँ, अरे वो मेघा नहीं है, अब तो मान लीजिए कि वो मेरी बिंदिया है। उसके दिल में मेरी धड़कने धड़कती है माँ, क्या सही में आपको लगता है कि मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ? आपको उसकी आंखों में उसकी सच्चाई क्यों नहीं दिख रही है माँ? वो बिंदिया है। आपको लगता है कि वो मेघा है ना? ठीक है, तो फिर आप ही मुझे एक बात बताइए माँ, आपको ऐसा लगता है कि उसने जानबूझ कर अपना बच्चा गिराया है ना? तो बताइए मुझे माँ कि बच्चा गिराने पर क्या मेघा ऐसे टूटी जैसे बिंदिया टूटी थी? क्या इस तरह वो आपसे आपका प्यार पाने के लिए इतनी मिन्नतें करती माँ? हमें यकीन कीजिए, हमें बिंदिया है, आपकी बेटी। ये भय तो बर्फी को साबित कर देगा कि वही बिंदिया है। एक एक सांस बिंदिया की कर्जदार है माँ, मैं अपनी बिंदिया को पहचानने में गलती कर ही नहीं सकता, मुझे पूरा यकीन है माँ, वो मेरी बिंदिया है, मेरी पत्नी, मेरी बिंदिया। ऐसे ही खून नहीं बहा रहा हूं मैं माँ, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है ना माँ कि वो बिंदिया नहीं मेघा है, तो मैं अपनी बिंदिया को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। नहीं लल्ला, नहीं, ऐसे मत करना। अगर तू इस घर से चला जाए तो मैं अकेले नहीं जी पाऊंगी लल्ला, नहीं जी पाऊंगी।
हमें तेरी यकीन पर यकीन हो गया। हम खुद जाएंगे और अपनी बहू को अपने घर लेकर आएंगे। सच पा, आपको यकीन हो गया कि वो विद्या है? हाँ लल्ला, तेरी आंखों में बिंदिया की सच्चाई देख ली हमने। हम खुद जाएंगे, उससे माफी मांगेंगे और अपनी बहू को उसके अपने घर ले आएंगे। तब तक लल्ला, तू यहाँ उसके स्वागत की तैयारी कर। हाँ? नहीं नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं भी आऊंगा बिंदिया को लेने। माँ, हम साथ चलेंगे। ठीक है लल्ला, हम दोनों साथ चलेंगे। मैं बस अभी आया मां। हाँ, हम साथ चलेंगे। देवी मां, आप भी सती रूप में अपने शंकर से बिछड़ गई थी, पर फिर पार्वती के रूप में एक नया जन्म लेकर आपने उन्हें दोबारा पा लिया। हमें भी लग रहा है कि आज हमारा नया जन्म हुआ है। हम अभय जी की जिंदगी में दोबारा लौटने वाले हैं। आओ बिटिया, बिटिया फूल ले लो। आप आ गए अभय जी। कैसे नहीं आता बिंदिया? ये पता चल जाने के बाद कि तुम यहां हो बिंदिया, मैं एक मिनट भी तुमसे दूर नहीं रह सकता था। लेकिन बिंदिया, वो घर अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा। कोई भी वहां भरोसे के लायक नहीं रहा बिंदिया। फिर से कोई परिवार वाला नहीं चाल चलेगा, फिर से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बिंदिया। नहीं, बेहतर तो ये होगा कि हम दोनों उस घर से दूर रहें। नहीं अभय जी, हम परिवार से अलग घर से दूर कैसे रह सकते हैं? सबके परिवार में मुश्किलें होती हैं, पर खुश नसीब होते हैं वो जिनका परिवार होता है। लेकिन हम ऐसे परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते। हम उनके साथ ही रहकर उनका मन बदलेंगे। लेकिन वो सब तुमसे नफरत करते हैं बिंदिया। नफरत तो आप भी हमसे करते थे ना। माथे याद दिलाओ मुझे वो दिन। ना समझता मैं जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाया बिंदिया। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि भगवान ने तुम्हें मेरा जीवन साथी बनाकर जमाने भर की सारी खुशियां मेरे झोली में दे दी। मन करता है कि भगवान से मैं विनती करूं बिंदिया कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में जितने भी दिन बीते हैं उन्हें मेरी जिंदगी के दिनों में गिनती ना करें। अभय जी, अब हम भी आपसे एक पल भी अलग नहीं रह सकते। ऐसा लगता है अगर आप पिछड़े तो जी नहीं पाएंगे। मत करो पिछड़ने की बात बिंदिया। आज के बाद हम जिंदगी भर
एक ही साथ रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे बिंदिया, कभी भी नहीं। संभाल के बिटिया, फूल के लिए हाथ आगे करो बिटिया। क्या हुआ पंडित जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। कोई बात तो जरूर है, आप ऐसे अचानक से विचलित हो गए? तुम्हारे हाथ में विरह की रेखा है बिटिया, जिससे तुम बहुत प्रेम करती हो उससे बिछड़ जाने वाली हो। हे भोलेनाथ, हमारे अभय जी को हमसे कभी दूर नहीं करना।